हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लेमिंग लाइफ विद सुधा। मैंने नाम चेंज कर दिया है अपने चैनल का। पहले था लिव लाइफ विद सुधा, अभी मैंने नया नाम चैनल चेंज किया है जो इस वीडियो से शुरू किया है मैंने। तो नाम है फ्लेमिंग लाइफ विद सुधा। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम है जो चाय से शुरुआत कर रही हूँ। आगे बहुत सारी क्लिप्स हैं तो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा, आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथ के साथ ही आज मैंने बनाया है घी, तो अभी इसमें काफ़ी कुछ है। तो यहाँ पे ये 1.5 लीटर या 2 लीटर के लगभग की बोतल है ये, तो फुल निकला है। अच्छी खासी मेरे पास मलाई जमा हो गई थी फ्रिज में, तो इसका पहले मैंने मक्खन निकाला। मक्खन निकालने के बाद ये घी निकाला है, तो इसमें भी थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो इसको मैं अलग बर्तन में निकालूंगी थोड़ा सा, क्योंकि ये फुल हो गया है। तो घी बनाने की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, कैसे मक्खन निकालना है, कैसे घी निकालना है, बहुत आसान है। मलाई कैसे इकट्ठी करनी है, मोटी मलाई कैसे लेनी है, सारे चीज़ें मैंने उसमें शेयर की हैं। तो इसका घी बनाने की रेसिपी का लिंक इस वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ जाके चेक कर लेना और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर आप मलाई इकट्ठी नहीं करते हैं, इकट्ठी करें, घर का शुद्ध देसी घी खाएं, बहुत अच्छा स्वाद होता है। तो मेरे पास तो काफ़ी कुछ पड़ा रहता है, तो सोचती हूँ कि घी से क्या क्या बनाऊँ, तो बहुत सारी रेसिपीज लड्डू वगैरह बनाने की सोच रही हूँ। गर्मी में थोड़ी सी घी हम लोग कम खाते हैं, ठंडी में ज़्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पे घी की रेसिपी है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके घी की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। और लंच थाली भी आप मेरे कुकिंग चैनल पर जाके उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक। पूरी लंच थाली आप फटाफट 30 मिनट में कैसे बनाएं, तो बिल्कुल चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आज कुछ मैंने यूटेंसिल्स लिए हैं किचन के लिए। किचन में कुछ आए हैं मेरे किचन में कुछ नए मेहमान बर्तनों के साथ, तो क्या लिया है वो मैं आपके साथ, क्योंकि मैं इसे अनपैक कर रही थी और वॉश करके रखने जा रही थी, तो मैं सोचा पहले आप लोग को दिखा देती हूँ कि लिया क्या है मैंने। काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपने किचन के लिए कुछ लिया है और जो मुझे रिक्वायरमेंट थी अर्जेंटली, क्योंकि मेरा कुकिंग चैनल है तो एक तो नॉन स्टिक कढ़ाई और 200 तवा दोनों ही मेरे पहले वाले ख़राब हो गए थे, स्क्रैचेस आ गए थे, तो वो दिखाना वो हार्मफुल भी है हेल्थ के लिए और दिखाने में वीडियो में अच्छा भी नहीं लगता है। और कुछ ये एक तो पहले आप ये देख लीजिए, ये है नॉन स्टिक कढ़ाई जो थोड़े से मुझे डिस्काउंट में मिल गए थे, शॉप से ही लेके आई हूँ मैं, तो जो मेरे घर के पास ही शॉप है, मॉल है, वहाँ से लेके आई हूँ। इसके साथ ये है लिड, तो देखने में बड़ा क्यूट सा लगा था तो ये ले लिया था मैंने। और इसके साथ है ये डोसा पैन, तो डोसा पैन भी मेरा काफ़ी टाइम से, मैं अभी स्टिकर इसका निकालना है तो ये इजीली निकल जाएगा, नहीं तो हल्का सा अगर आप गर्म करते हैं नीचे से तो भी ये स्टिकर जो है ना, ये एक मिनट वैसे ही निकल रहा है, तो ईजिली निकल गया है क्योंकि ये नॉन स्टिक है, तो उस वजह से भी स्टिकर ईजिली रिमूव हो जाते हैं बर्तनों से। तो ये साइज़ लिया है मैंने, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है, छोटा नहीं है, अच्छा साइज़ है जिसमें आप एक अच्छा साइज़ का डोसा बना सकते हैं। तो ये तो नॉन स्टिक दो लिए हैं, एक कढ़ाई और एक, लेकिन ये भी मुझे जैसे कि 2 से 3 लोगों के लिए बनाना हो तो ये कढ़ाई ठीक है साइज़, और थोड़ा 5 से 6 लोगों के लिए अगर बनाना पड़ जाए मुझे तो साइज़ छोटा पड़ जाएगा, तो मुझे एक बड़ा साइज़ भी नॉन स्टिक का लेना है, तो ठीक है अभी वो नेक्स्ट मंथ लूँगी मैं। और यहाँ पे लिया है मैंने बड़े क्यूट से ग्लासेस वाले कप्स, चाय कप्स, टी कप्स जो ये हैं, तो 6 का सेट है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गया था। नीचे जो सॉसर आता है कप के साथ वो नहीं लिया क्योंकि वो ज़्यादातर यूजलेस ही होता है। ठीक है गेस्ट को देने में अच्छा लगता है सॉसर के साथ, बट घर में अगर हम रेगुलर यूज़ करते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो सीधे ट्रे में कप्स पकड़ाते हैं, तो सीधे कप उठा के ही चाय पीना ज़्यादा ठीक रहता है, ज़्यादा लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। तो बस बिना सॉसर वाला मैंने ये टी कप लिया है ग्लास का, तो इसमें कोई भी चाय की रेसिपी हो, काढ़ा की रेसिपी हो, बहुत सारे चाय की रेसिपीज होती है, लेमन टी हो गया और अभी नाम नहीं याद आ रहा, बहुत सारी रेसिपीज है, तो उसमें मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो इस पर्पज़ से मैंने इसे लिया है। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं कि ग्लासेस वाले टी कप्स लूँ, तो ये हो गए 6 का सेट। और यहाँ पर है लास्ट आइटम, मैंने ग्लास का सेट लिया है, तो इसे भी मैं काफ़ी टाइम से लेने के लिए सोच रही थी, तो काफ़ी प्यारा इसका जो शेप है ना, यहाँ से जो बिल्कुल नैरो होता है और यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, तो ये लुक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं बहुत सारा वीडियोस में देखती थी तो सोचा था ये भी लेने के लिए, तो फाइनली मैंने इसे भी ले लिया। तो 6 का सेट है, ये भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है और काफ़ी
ड्यूरेबिलिटी जो इसकी है काफ़ी मजबूत दिख रही है, अच्छा ग्लास है, अच्छी क्वालिटी है। तो ये 6 का सेट मुझे 500 में मिल गया था तो मुझे ठीक लगा। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे जो फ्रूट्स शेक्स होते हैं, कोई भी मिल्क शेक हो गया या नींबूस पानी बहुत तरह के होते हैं तो आप इसमें सर्व कर सकते हैं, बादाम मिल्क हो गया, तो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। तो किसी गेस्ट को भी दे सकते हैं और घर में भी लोग बच्चों को दे तो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, तो बच्चे भी बड़ी खुशी से पियेंगे, तो इसलिए मैंने लिया है। तो ये है, और एक मैं ले रही थी कांच का स्क्वायर में बाउल जिसमें आप पुडिंग वगैरह सेट करके जमा सकते हैं, तो वो मैंने सोचा था कि मैंने ले लिया है, बट वहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। बिलिंग तो मेरी जितनी आइटम है उतनी की ही मैं देख रही हूँ, पर शायद शॉप वालों को मैंने बोल दिया था कि ये भी मुझे लेना है, सेपरेट कर दो, बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो वो शायद आया नहीं और मिस भी है, बट बिलिंग में भी नहीं है। तो मेरे को ये था कि जितना अमाउंट है मेरा उसमें वो भी आया है बट अभी वो मिस है, तो मुझे वो भी लेना था कि एक कांच का जो स्क्वायर में बॉल होता है वो लेना था, जिसे मुझे पुडिंग वगैरह सेट करनी थी, वो लिड वाला साथ में था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसे भी लेना है मुझे। तो अभी ये मैं 4 आइटम इस तरह से लेके आई हूँ, तो बस इसे वॉश करके मुझे लगाना है किचन के काउंटर में, और बिल्कुल इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज जाने वाली हैं मेरे कुकिंग चैनल पे भी। तो ये था मेरा थोड़ा सा बर्तनों का शॉपिंग, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चलो, बर्तनों के साथ साथ मैं, आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ हवा की, दरवाजे बंद हो गए थे मेरे बहुत तेज़, और ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो एक अच्छी तेज़ बारिश के साथ यहाँ पे मौसम में बदलाव आया है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बिल्कुल सीधी बारिश हो रही है और अच्छे से हो रही है, जैसे होती है बारिश, तो बिल्कुल ठंडा मौसम हो। तो ये हम लोग आ गए हैं नीचे, और मानसी ने बोला कि मम्मी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है बादलों की गरजने की, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, तो बिल्कुल मैं अंदर से शूट कर रही हूँ और ये कर रही है डांस। तो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम नीचे आए हैं और नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस साल की 2021 की। कहाँ जाना है आपको बारिश में? अच्छा, अम्ब्रेला लेके आना था ये एक हमारे सोसाइटी में रहती हैं, तो फ़ोन बेटी को पकड़ा के गई हैं और ख़ुद पार्सल लेने गई हैं पानी में भीगते हुए, तो सोसाइटी के गेट पे पार्सल आया होगा। मानसी नो, भीगना नहीं है, वापस सब कुछ कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो इन मैम का शायद कुछ खाने का पार्सल था, तो वो लेना ज़रूरी था जाके, तो बस ये बारिश में उनका खाने का पार्सल मिला। यस, ये है मानसी, जिनको बहुत मन कर रहा है बाहर जाने के लिए बारिश में। मानसी शूज़ को वेट मत करो, बट अभी मैंने वॉश किया था कल और वापस उसे सुखाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल उसको नहीं, वेट नहीं करना है, भिगोना नहीं है, ऐसे ही देखो ना, ऐसे ही मज़ा आ रहा है देखने में। तो ले लो एक वो स्विमिंग ड्रेस पहन लो और शूज निकाल दो। नहीं, कपड़े नहीं भिगोने हैं, शूज भी नहीं भिगोने हैं, बस ऐसे ही देख के मजा करो यार, बचपन में यही तो मजा आता था करने के लिए। निकालो शूज, निकालो वहाँ से, फिर जाओ, फिर पैंट भी अभी गंदी हो जाएगी, न्यू पैंट। नो, अरे कोई बात नहीं, जाओ पहले वो निकालो।
ये मैडम मानसी चेंज करके आई है ड्रेस को, सूज निकाल के आई है, अम्ब्रेला लेके आई है, जो भी टूटा हुआ अम्ब्रेला उसको मिल गया, तो बारिश का इंजॉय करना चाहती है। तो यहाँ पर बारिश में निकल गई हैं ये। मुझे बारिश में भीगना इतना पसंद नहीं है, बारिश में भीग लो फिर बाल गीले हो जाएं, फिर बाथिंग करो, फिर थोड़ा सा मेरे लिए इरिटेटिंग होता है, बट इसको पसंद है। तो बस अभी बाहर से आ गए हैं घर पे और बहुत ठंडा मौसम हो गया है, बहुत प्यारा मौसम हो गया है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादल के गरजने की आवाज़ भी आ रही है, मैंने पहले ही बताया, बहुत थंडरिंग है और ज़्यादा सेफ़ नहीं था बारिश में इस तरह से भीगना, और थंडरिंग में अगर आप बादल गरज रहे हैं तो बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए था, पर थोड़ा सा उसका मन था तो मैंने कुछ 5 मिनट के लिए इसको अलाउ कर दिया था। तो अभी हम घर पे आ गए हैं, अंदर आ गए हैं, बट मौसम बहुत प्यारा हो गया है, ठंडा हो गया है, काफ़ी बीच में गर्मी बढ़ गई थी तो इतनी तेज़ बारिश के साथ लगातार हो रही है, मेरे ख्याल से आधा घंटा से ऊपर ही हो गया है, तो लगातार तेज़ बारिश हो रही है, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो चलिए, आपने देखा कि आज की मेरी घी रेसिपी, और बस ये यूटेंसिल्स जो मैं बर्तन कुछ लेके आई अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ ऐसे ये नॉनस्टिक बर्तन ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टाइम नहीं चलते हैं, 1 साल या 1.5 साल 2 साल इतना ही चलता है, कितने भी अच्छे ब्रांड का ले ले कुछ ना कुछ उसके यूज़ करते करते उसका पेंट जो नॉनस्टिक लेयर है उतर रहते हैं। अभी कुछ एक नया आया हुआ है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक कढ़ाई 5,000-2,000 एक छोटा पीस ऐसे आता है, बड़ा साइज ले तो 5,000-10,000 ऐसा आता है, तो वो देखेंगे बाद में, बट अभी ये ठीक है, जब तक इसके स्क्रैचेस नहीं आते हैं, यूज़ अच्छे से होता है, शाइन रहे तब तक आप यूज़ करें अच्छे से, क्योंकि ऐसी बहुत सी रेसिपीज होती हैं जो चिपकती हैं तो इसमें इजी फील होता है, डोसा वगैरह तो ब्रेकफास्ट में बिल्कुल बनता है, चीला वगैरह, तो बस उसके लिए लिया है। और गर्मी में बहुत सारे शेक और नींबूस पानी और बहुत तरह के ड्रिंक बनाने के लिए ग्लासेस लिए हैं, चाय कप्स लिए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे वैसे अपने यूटेंसिल्स जो काउंटर बार होता है उस पर रखे आप तो अच्छा लगता है। चलिए, थोड़ी सी बर्तन की शॉपिंग मैंने दिखा दी आपको जो लेके आई, और बस ये अच्छा सा मौसम अहमदाबाद का, तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय। क्यों गई तुम? कर रही हूँ। क्या मतलब है ये सबका, देख रही हो? देखो नैपकिन्स कितने ज़्यादा गिरे हुए थे नीचे, मम्मी ने गिरा के चली गई थी, मम्मी इतनी एक्साइट हो गई थी बारिश के लिए कि मैं सारे एक्साइट हुई थी, तुम्हें एक्साइट हुई, तुम्हारे लिए गई थी मैं। हाँ चलो।